गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन, जो सुबह उठ के मैं जल्दी करती हूँ हस्बैंड के लिए लंच पैक। तो बस वही ये है 15 फेब का वीडियो। मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। आप भिंडी को देख लीजिए, बड़ा बड़ा काट के आपने फ्राई कर लेना है। पहले थोड़ा सा सॉल्टेड है, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं, हल्के से तेल में ही आपको स्टर फ्राई करना है। और स्टर फ्राई के लिए यूजली मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ईजीली हो जाता है, ऑयल कम लगता है। सिमिलरली बड़े बड़े प्याज़ों को भी आप ऐसे ही स्टर फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे मैंने टमाटर, मिर्च और लहसुन लिया है, उसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। आप चाहें पीस लीजिए, पीस के भी अच्छा लगता है। तो वो चॉपर में बट बारीकी हो जाता है, तो मैंने चॉपर यूज़ किया है। हल्का सा ऑयल लीजिए, अगर पैन में ऑयल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हल्का सा ऑयल लेके हमें अब टमाटर भुनने हैं। मैं हमेशा भिंडी को अजवाइन से बनाती हूँ, तो मैंने अजवाइन डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है और हींग ऑफ कोर्स, थोड़ी सी हींग। एंड अब आपने इसमें थोड़ा सा देगी लाल मिर्च। मैं हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ भिंडी में, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बस ये टमाटर जो पीसा था हमने, टमाटर, लहसुन और मिर्च, उसको हमें डाल के स्टर फ्राई कर लेना है। हल्का सा नमक एज पर योर टेस्ट, भिंडी और प्याज में नहीं है तो उस अकॉर्डिंगली डालिएगा। और बस टमाटर को पकने देते हैं। साइड में ही मैं आटा लगा रही हूँ। सुबह यू नो कितना फटाफट फटाफट, क्योंकि काम करना होता है, टिफ़िन पैक करना है, तो बस साइड में ही उस टाइम पे हम मल्टी टास्किंग हो जाते हैं। एक तरफ गैस चल रही है, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, तो वही मेरे साथ है। बस टमाटर को मैंने देखा है हो गए हैं, तो जब टमाटर हो जाए तब उसमें आप और जो आपकी भिंडी और प्याज है उसको ऐड कर दीजिए। जो मसाले आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, गरम मसाला यूज़ करते हैं गरम मसाला, मैं यूजली गरम मसाला नहीं, मैं सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ। तो गरम मसाला डालो तो गरम मसाला डाल दीजिए, सब्जी मसाला थोड़ा सा अमचूर बस, और कुछ मैं इसमें नहीं डालती हूँ। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और बस थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट में डाली है। हरी मिर्च आप लंबा लंबा भी डालो, अच्छी लगती है, काट के स्लिट करके बीच में से। बस स्टर फ्राई कर दीजिए और आपकी भिंडी दो प्याज़ा रेडी है, ठीक है। बस साथ में ही ये मैं अमचूर डाल रही हूँ लास्ट में, ठीक है। बस मिक्स कर दीजिए, ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद आप गैस को, फ्लेम को बंद कर दीजिए। हल्का सा मैंने दो बूंद टाइप पानी डाला था, क्योंकि ड्राई मसाले डाले थे तो बस वो थोड़े से मिक्स हो जाए इसीलिए। और कवर कर दिया, थोड़ी देर गैस को चलने दीजिए और फिर बंद कर देंगे। बस अब साइड में मैं बना रही हूँ रोटी हस्बैंड के लिए, चपाती पैक करने के लिए। एंड अब ये खा के भी चपाती ही जाते हैं, तो बस इनको डायरेक्टली तवे वाली जो सेकते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए यूजली तवे पे सेक के बनाती हूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी कच्ची नहीं पसंद। अगर मैं डायरेक्ट सेकती हूँ तो बोलते हैं कच्ची रह जाती है, बता नहीं क्यों, जबकि मैं तो वैसे ही खाती हूँ। तो इनको बस मैं तवे पे ही सेकती हूँ कपड़े से, थोड़ा सा फिर गैस पे सेक के। तो बस रोटियाँ बन गई हैं और ये हो रहा है डॉक्टर साहब का टिफ़िन पैक। इनके चक्कर में पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना टाइम में भी मुझे एक भी दिन रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि इनका यूजली 7 डेज वर्किंग रहता है। बहुत ही कभी कभार इनका ऑफ होता है, एक दिन मंथ में एक या दो दिन। सुबह जल्दी जाना, यहाँ से मौलाना आज़ाद जाना, यानी मीन्स रोहिणी से मौलाना आज़ाद टाइम लगता है, तो जल्दी निकलते हैं। इनके जल्दी से हमारा जल्दी हैक्टिक हो रखी है लाइफ। सुबह सुबह जल्दी उठ के करना, वो भी ठंड में, तो वैसे भी मन नहीं करता है ठंड में। तो बस अब इनका टिफ़िन पैक कर दिया, ये जो रोटियां रखी हैं ये खाएंगे, ये रोटी खा के जाते हैं ब्रेकफास्ट में। बस तो टिफ़िन पैक हो गया, छाछ, सब्जी, रोटी एंड फ्रूट्स लेके जाते हैं साथ में। तो बस दिस इज़ डन। अब ये जब चले जाते हैं तब मैं बनाती हूँ अपनी चाय। ये मेरा पनीर में पनीर का स्टैंड है, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। कल रात को जब मैं दूध बॉईल कर रही थी अपने लिए, हल्दी वाला, अदरक वाला पीते हैं, अदरक काली मिर्च हल्दी, वो फट गया।
मैंने कहा यार फेंका तो जाता नहीं है, तो मैंने उसी का पनीर बना लिया। देखो तभी इसमें अदरक के पीसेस अच्छे से दिख रहे हैं, काली मिर्च और अदरक, बट काफ़ी अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। इसका मैं पराठा बना दूंगी, तो नाश्ते में पराठा हो जाएगा, पनीर का पराठा, क्योंकि इतना दूध फेंकने से अच्छा देखो पनीर बन गया। ये देखिए स्टैंड है, अमेज़ॉन से मंगाया है मैंने, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। यूजली तो वैसे भी बन जाता है कपड़े में, बट ये ठीक लगा, इसमें मैं प्रॉपरली प्रेस करके रख दूँ, अच्छा है। तो बस अब मैं अपने लिए ये चले जाते हैं, तो मैं शांति से बैठ के फिर आराम से चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय तो यार मेरे को दो टाइम चाय मैं पीती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो भैया जब दो टाइम चाय पीते हो तो आप कुछ तसल्ली से पियो, ये नहीं ना कि फटाफट फटाफट पीऊँ कि हाय खाना बनाना है खाना बनाना है, तो इसलिए चले जाते हैं। उसके बाद ही मैं अपना आराम से तसल्ली से चाय पीती हूँ, बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम, ये चले जाते हैं। कई बार नाइशा उठती है, आयुष तो जल्दी नहीं उठता है, नाइशा ही यूजली उठती है। कैसे हैं सब, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज अचानक मैंने सोचा क्यों ना सुबह का ही रूटीन शेयर करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है ना जब हम ज्यादा बिजी होते हैं, तो यूजुअली मेरे मैं तो नींद में उठ के किचन में घुसती हूँ कि फटाफट खाना बनाना है, फिर हस्बैंड ऑफिस जाना होता है। अर्ली मॉर्निंग तो ये अपनी चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी उठते हैं। मैं उठती हूँ 6:30-7, ये जाती इनको 6:30-8 तक निकलना होता है, तो बस भागा भागी में मेरा खाना बनता है इनके लिए, लंच पैक करके देती हूँ इनको। तो बस अब ये चले गए हैं और मैं इनके जाने के बाद मैं फिर अपनी चाय बना के पीती हूँ। ये बनाई है मैं ग्लास में ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ग्लास में चाय अच्छी लगती है, कप में मुझे वो मजे नहीं आते, कप में चाय ठंडी भी जल्दी जाती है। दो आई एम नॉट ज्यादा गर्म पीने वाली लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन इसमें फिर भी वो गर्म वाला टेस्ट रहता है, उसमें बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो पता नहीं स्वाद नहीं आता मुझे, तो इसी में आता है। आयुष और नाइशा दोनों सो रहे हैं, अब मैं पीऊंगी अपनी चाय, फिर वही आयुष की स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 9:30 से टेस्ट है उसका आज, मेरा कॉलेज, नाइशा की मस्ती, नाइशा की तो किचन अभी तक यहाँ फैली पड़ी है, उठाने भी नहीं देगी उनको। बस तो मेड आएगी, हाउसमेड आती है, हेल्पर जो है मेरी वही झाड़ू पोछा डस्टिंग पोछा सब करती है, कुकिंग और कपड़े मैं करती हूँ, बाकी सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग मेरी हाउस मेड जो आएगी वो करेगी। बस तो चलिए देखते हैं, अगर आगे का मैं रूटीन शेयर कर पाती हूँ, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो थोड़ा बच्चों भी रहेगा वो शेयर करूंगी। बाकी अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इफ पॉसिबल बोले भी कि आप सब्सक्राइब करें, यार क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो क्या है ना, क्लिक ही करना है आपको, क्या जा रहा है। अगर हेल्प कर सकते हो किसी सामने वाले की, क्योंकि यार मोटिवेशन जब ही मिलेगा जब सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, है ना, आपको 100-150 लोग देख रहे हैं और आप वीडियोस बनाए जा रहे हो, तो वो इतना मिस, ऑफकोर्स वो मेरा हॉबी है तो वो तो मैं करूंगी, चाहे 200-250 हो जितने भी हो, लेकिन जब ज्यादा होते हैं ना तो करने का मजा ही अलग होता है। तो बस इसीलिए माँ बाप कहते रहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज नाइशा नहीं है ये बोलने के लिए, वो सो रही है, तो देखेंगे अगर वीडियो के एंड वो कर पाएगी तो उसी से कराएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, एंजॉय, मैं अभी चाय पीती हूँ ना ठंडी हो जाएगी। चलिए अभी टाइम हो रहा है 8:30 में अपनी चाय लेती हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय। तो बस अब नहा के मैं अपनी क्लास ले रही हूँ, उसके बाद मैंने चाय के बाद शूट नहीं किया था, सीधे आई वॉज टेकिंग माई क्लास बस, और इसके बाद फिर मैं कल जो मैंने छोले कुलचे बनाए थे उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुलचों के लिए लिया है मैंने आटा, सिंपल आटा, रोटी वाला आटा, कोई मैदा मिक्स नहीं है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, वन छोटी चम्मच टीस्पून, ठीक है, सेट की टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून, 1/4 छोटी चाय वाली चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, बस। अब हमें इसमें मिक्स करके इसको हमें दही से आटा लगाना है, ठीक है,
दही या छाछ कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं छाछ से लगा रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो थोड़ा गाढ़ा दही डाल के फिर पानी से। तो मेरा पूरा आटा छाछ से लगाया है, सॉफ्ट सा आटा लगा के हल्का सा पानी लगा के मैंने इसको ढक दिया है, ठीक है। फूलने के लिए छोड़ना है हमें इसे कम से कम 1 घंटा, उसके बाद मैं इसको नीड करूँगी अच्छे से, ठीक है। इसको ढक के मैंने रख दिया है 1 घंटे 2 घंटे। यहाँ मैंने वाइट मटर और बॉयल करके रखी हुई थी, नमक डाल के सिर्फ सिंपल। अब हम बनाएंगे मटर, जो हमारे छोले होते हैं कुलचे के साथ। तो इसके लिए मैंने डाला है चॉप्ड प्याज और ग्रीन चिली, हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट के, बारीक कटा हुआ टमाटर, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च एज पर योर टेस्ट, नमक एज पर योर टेस्ट, क्योंकि पहले छोले में भी मिला हुआ है तो अकॉर्डिंगली डालिएगा, वाइट मटर में मिला हुआ है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, चाट मसाला, सब देखो टेस्ट अनुसार आप कम ज़्यादा जैसा करना चाहें अकॉर्डिंगली। ये मेरे पास ग्रीन चटनी पिसी रखी थी, तो वो ग्रीन चटनी आप चाहें तो बना के डाल सकते हैं, पुदीने धनिए की जो ग्रीन चटनी बनती है लहसुन मिक्स करके वो, ठीक है। तो वो मैंने मिक्स कर दी है, और जो मेन इसमें होता है वो होता है इमली का पल्प। मैंने पल्प नहीं बनाया क्योंकि ये पेस्ट मुझे ख़त्म करना था, रखा हुआ है, तो थोड़ा सा और लिक्विड ही बनाना। ये तो मेरा पेस्ट गाढ़ा है, थोड़ा सा लिक्विड ही करके थोड़ा घोल, पतला घोल होना चाहिए इसका इमली का। इमली को भिगो के रख लो, रस निकाल लो और उससे फिर इसको डाल दो इसमें, क्योंकि जो टेक्स्चर होता है ना वो इमली के टेस्ट, इमली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। बस सब मिक्स कीजिए और आपका छोले रेडी हैं। इसको गार्निश कर सकते हैं आप बीटरूट, धनिया, मिर्ची, प्याज, जिससे भी चाहें उससे। है ना इजी, हेल्दी एंड इजी रेसिपी। अब हम कुलचे बना रहे हैं। 1 घंटे बाद मैंने आटे को जब लेके लोइयां बनाई है, नॉर्मल रोटियों की तरह बेलना है पर थोड़ा मोटा रखना है, और उसके ऊपर धनिया, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने डाल के दबा दिया, कलौंजी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और हमें पैन, प्लेन पैन हमें चाहिए, पैन और उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लेन पैन गरम करना है और उस पर कुलचे को रख देना है, और फिर साइड्स में पानी डालना है, कुलचे के ऊपर मत डालना, साइड में पानी की छींटे डाल के, और फटाक से हमें बंद कर देना है ढक्कन को। और ढक्कन में अगर आपके कोई होल है, जैसे इसमें होता है यूजली नॉनस्टिक वाले जो ग्लास के कवर होते हैं, उसको भी कवर कर देना है। हमें इसे बेसिकली भाप में बनाना है, जो वेपर बनता है धुएं से उसमें बनाना है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं। ये देखिए मैंने डाला, पानी डालिए, ढक कर दीजिए, 1-2 बार पानी डालते रहिएगा, ढक दीजिएगा, क्योंकि पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, वेपर नहीं बनेगी। फिर फ्लिप कर दीजिए, फिर से कि हमें कोई तेल ऑयल हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लेन तवे पे हम ये बना रहे हैं ढक्कन के अंदर भाप से, और साइड में देखिए। फिर उसके बाद आप उसको तवे पे घी से सेक लीजिए, जैसे शॉप वाले देते हैं ना, उसको सेकिए आप ऐसे कच्चे बना के। जैसे ये जो लेफ्ट राइट वाला देख रहे हो, ये बिना तेल पे है, और वो साइड में मैं तेल लगा के सेक रही हूँ, तेल है ना कि घी लगा के सेक रही हूँ। आपको जिससे सेकना है उससे सेकिए। आप यहाँ पे प्याज टमाटर डाल के फिर उसके ऊपर सेक सकते हैं, तो वो फ्राइड कुलचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मेरे लिए वो लास्ट में किया था, वो दिखाया नहीं है। तो बस इस तरीके से आप इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट कुलचे बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था राशि ने ट्राई करने के लिए, एंड रियली इट केम आउट वेरी यमी। ये बच्चों की थाली में लगा दी है, ये देखिए कच्चा नहीं लगेगा, थोड़ा मोटा रखना है, कच्चा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी। ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। टेस्ट करके बताओ आयुष कैसा है, टेस्ट कर। अच्छा सही बना है, दिखा दो कैसे प्लेट है सबको। देखो देखो गाइस, और कितने अच्छे जाले वाले आए हैं प्रॉपर। नाइशो बता, नाइशो कैसा लग रहा है, यम्मी। चलो एंजॉय। तो ये है मेरी थाली, बच्चों ने खा लिया है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, आयुष को बहुत अच्छे लगे, नाइशा को भी। तो ये देखिए, ये घी से सेकने के बाद आप कच्चे बना के रख लीजिए, और उसके बाद जब खाना है तब घी से सेक लीजिए।
ठीक है। ये मैंने प्याज टमाटर से थोड़ा सा फ्राई कर दिया, जैसे शॉप पे देते हैं सैलेड। और ये हमारा ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत यम्मी। वाकई में फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। इसी के साथ आते हैं वीडियो के एंड पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, कुछ कमी लग रही है, तो वो भी बिल्कुल बताएं, मिस शर्माएं ना, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। बाकी तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।